अगर आप बेड पे बैठे हैं या मैट पे बैठे हैं, जहाँ भी आपको बैठ के करना है, इस तरह से अपनी टांगों को सीधा करके बैठिए। अगर आपको पीछे सहारा लेना है, ठीक है, पीछे आप दीवार के साथ अपनी कमर को लगा सकते हैं। अगर आपको लगता है कि ऐसे बैठना आपको मुश्किल लगता है, तो आप दीवार का सहारा लीजिए आराम से। अगर पीछे अपने बैक के पीछे पिलो रखना है, तो उसको भी अपनी बैक को सपोर्ट दे के रखें। बट कोशिश करिएगा कि पोस्चर सीधा रहे, ऐसे नहीं बैठिएगा, झुक के नहीं बैठिएगा। इससे क्या होगा, बॉडी पोस्चर सही रखने से क्या होता है, ऑक्सीजन का फ्लो ओवरऑल अच्छे से बॉडी में जाता है, और भी इसके फायदे हैं। चलिए, सबसे पहले आपको क्या करना है, पहले हम एक लेग से मैं आपको करके बताऊंगी। देखिए, यहाँ मैं अपना एक मैट को मैंने अच्छे से फोल्ड किया हुआ है, टाइट करके ये यूज़ कर रही हूँ। चाहे तो आप ऐसे मैट यूज़ कर लो, या फिर कोई बिग टॉल, एक बड़ा तौलिया बड़ा हो, उसको अच्छे से गोल करके इस आकार में उसको लाते हुए, अच्छे से उसको टाइट करते हुए उसको भी आप यूज़ कर सकते हैं, जो भी आपके पास हो। अगर आपके पास मैट भी नहीं है या टॉल को ऐसे करना, रोल करना आपको मुश्किल लगता है, तो आप पिलो भी यूज़ कर सकते हो। थोड़ा मोटा होना चाहिए, जो आपके नी के नीचे अच्छे से आ जाए। वैसे तो ये बेस्ट ऑप्शन है कि आप अपने मैट को अच्छे से रोल करो और इसको यूज़ करो। चलिए, अभी क्या करेंगे, इस तरह मैं अपनी नी के नीचे, ये जो हमारा नी ज्वाइंट है, इसके नीचे इसको प्लेस करूँगी, इसके नीचे इसको रखेंगे बड़े आराम से। कमर गर्दन सीधी है, हाथ यहाँ नहीं रखने, तो ऐसे भी रख सकते हो आप अपने पीठ के पीछे, इस तरह से सहारा देते हुए। अब उसके बाद क्या करेंगे, सांस को लेते हुए, इनहेल करते हुए, इस तरह थोड़ा सा अपने पैर को ज़मीन से उठाएंगे। इसमें एक चीज़ का ध्यान रखना है, जो पैरों की उंगलियां हैं वो अपनी तरफ रहेंगी, ऐसे नहीं रखना, रिलैक्स नहीं रखना, थोड़ा सा अपनी तरफ करते हुए टाइट रखना है। ब्रीद आउट वापस, लगातार करेंगे, ब्रीद इन ऊपर, ब्रीद आउट नीचे, सांस लेते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे, फोर, फिर वापस, फाइव, फिर वापस, सिक्स, फिर वापस, कंटिन्यू, सेवन, इसी तरह करते रहें, एट, यस, नाइन और टेन। मैंने सिर्फ 10 बार किया, स्टार्टिंग में आप लोग भी 10 बार ही करिएगा। धीरे धीरे आप इसको 20 से 25 बार बहुत आराम से कर सकते हैं। देखिए, जब पैर ऊपर की तरफ किया, तो इस जगह पे थोड़ा सा नीचे की तरफ दबाव देना है, अपनी नी के साथ मैट को दबाने की कोशिश करिएगा। जब आप अपने पैर को ऐसे उठाते हैं, पूरा वजन इस पे डाल के रखिए, इसको दबा के रखिए, इस चरण से जब पैर जाएगा तो रिलैक्स, वो दबाव वो प्रेशर कम करना है, फिर ऊपर आएगा, फिर पूरा दबाव बना के रखना है। 10 से 20 बार काउंटिंग बढ़ाई है, उसके बाद आप थोड़ी देर यहाँ, थोड़ी देर रुकने की भी कोशिश करें, इस तरह से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, और बहुत धीरे धीरे वापस जाइएगा, इस तरह से। पहले लगातार किया कॉन्टीन्यूटी में 10 बार, फिर 10-10 सेकंड रुक के इसको 3 बार प्रैक्टिस करें। ये हुआ एक लेग से, इसी तरह अब हम अपनी दूसरी लेग पे, अगर इसको मोड़ पाएँ, वैसे तो दिक्कत होती है लोगों को कि हम नहीं मोड़ पाते हैं, तो आप इसको इस तरह से रिलैक्स रखिए, इस तरह, और अब इसको मैट को अपने दूसरे नी के नीचे रखेंगे। मैं अभी अपना लेग फोल्ड कर रही हूँ यहाँ पे, आपको दूसरी लेग से अच्छी तरह दिखाने के लिए। देखिए, चलिए, फिर ब्रीद इन, सांस लेना है और छोड़ना है, 2, वापस, 3, पैर का पंजा टाइट, वापस, 4, वापस, 5, वापस, 6, वापस, 7, सांस छोड़ते हुए वापस, सांस लेते हुए ऊपर, छोड़ते हुए वापस, 9, वापस, 10, वापस। अभी रुकेंगे, 1, 2, 3, जितना टाइट कर सकते हैं उतना और कर लीजिए, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, धीरे से वापस। मैंने सिर्फ एक बार होल्ड किया, आप 3 बार होल्ड करिएगा अच्छे से।